दबंग सीरीज में कैची आइटम सॉन्ग्स किस तरह प्रिपेयर किए गए थे, क्या दबंग 4 में भी एक धांसू आइटम नंबर देखने को मिलेगा? दोस्तों, बॉलीवुड फिल्म्स का गानों से एक अनोखा राबता रहा है और दोस्तों खासकर एक आइटम नंबर की तो फिल्म में कुछ खास ही जगह बनी होती है। किसी भी जॉनर के फिल्मों मेकर्स उसमें एक आइटम डांस सीक्वेंस कैसे ना कैसे फिट कर ही देते हैं और इस मामले में दबंग फ्रेंचाइज ने तो कुछ कमाल की ही प्रोग्रेस कर रखी है भाई। दबंग दरोगा चुलबुल फिल्म की मिड में किसी न किसी डांस नंबर पर ठिरकते नजर आ ही जाते हैं एंड समहाउ बॉलीवुड के सबसे फेमस आइटम सॉन्ग्स में टॉप पर दबंग के ही सॉन्ग्स हैं। इसलिए दोस्तों आज करते हैं इन आइटम सॉन्ग्स की जर्नी की चर्चा मेरी यानी अनुष्का त्यागी के साथ और आप देख रहे हैं हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को। शुरुआत दबंग से जिसका आइटम सॉन्ग मुनि बदनाम चार्ट बस्टर रहा। अब दोस्तों असल में ये हिट सॉन्ग दबंग के लिए लिखा ही नहीं गया था बल्कि ललित पंडित ने इसे काफी पहले कंपोज करके रख लिया था। वो इंतजार कर रहे थे एक परफेक्ट मूवी का जो कि खुद चल के इनके पास आई दबंग के रूप में। अब दोस्तों दबंग फिल्म का बाकी म्यूजिक थोड़ा सॉफ्ट साइड था इसलिए इन्हें एक धमाकेदार आइटम सॉन्ग की जरूरत रही थी। अब इसलिए दोस्तों जब ललित ने इस मुन्नी बदनाम की कैची कॉम्पोजिशन मेकर्स को सुनाई उसी पल से गाना फाइनलाइज हो गया और ऊपर से मलाइका सलमान के डांस ने इसे फिनिशिंग टच बखूबी दिया। अब दोस्तों तो वहीं दबंग 2 में भी फेविकॉल से आइटम सॉन्ग काफी धमाल मचाता रहा है लेकिन इस बार सॉन्ग को पूरी प्लानिंग के साथ कंपोज किया गया था। साजिद वाजिद डुओ ने इसे उतना ही एनर्जेटिक बनाया जितना फर्स्ट पार्ट का मुन्नी बदनाम था, तो वहीं इस बार परफॉर्मर करीना कपूर ने सभी को पिछले व्यूज रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया था। जब बात आई दबंग 3 की तो इस बार सॉन्ग कंपोज किसी म्यूजिशियन ने नहीं बल्कि सलमान के भाई अरबाज ने ही किया। अब दोस्तों दबंग 3 मेकिंग से काफी पहले दोनों स्टार्स के लिए आइटम सॉन्ग ढूंढने में लगे थे, तभी एक दिन अरबाज सलमान के पास आकर कहा आइटम सॉन्ग मिल गया, मुन्ना बदनाम हुआ। इन्होंने फर्स्ट हिट आइटम सॉन्ग मुन्नी बदनाम को थोड़ा तोड़ मरोड़ के मुन्ना बदनाम सजेस्ट किया। वैसे तो दोस्तों ये ट्यून एक्सपेरिमेंट की तरह ट्राई की गई थी लेकिन जैसे जैसे गाने में म्यूजिक जड़ता गया गाना और भी कैची बनता गया। अब दोस्तों फाइनली इस बार मुन्ना यानी कि सलमान खान खुद स्टेज पर ठुमकते हुए नजर आए और ये गाना भी क्रैक जैक हिट रहा। अब दोस्तों जब दबंग 4 बनने जा रही है तो उसमें भी एक धांसू आइटम सॉन्ग की जगह तो बनती ही है। आखिरकार दबंग के डांस नंबर चुलबुल के अंदाज को और भी निकल कर लाता है ना। तो दोस्तों बता दो कि वही कैची आइटम सॉन्ग फिल्म की मार्केटिंग के लिए भी काफी जरूरी होता है, इसलिए दबंग फ्रेंचाइज अपनी लेगेसी को निश्चित ही आगे ले जाएगी। पर दोस्तों अब सोचने वाली बात ये है कि क्या इस बार भी मुन्नी मुन्ना बदनाम फेविकॉल्स जैसे अतरंगी लिरिक्स से आइटम सॉन्ग को हिट करवाया जाएगा या फिर सलमान सेफ खेलने के चक्कर में साउथ हिट को ही एक हिंदी में पेश करेंगे। अब दोस्तों हाल ही में सलमान की फिल्म राधे में साउथ स्टार अल्लू अर्जुन का सिटी मार रीमेक हुआ था। अब तो दोस्तों शायद फिर से भाई देवी श्री प्रसाद की डिस्कोग्राफी अपना भी सकते हैं। अब इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताइएगा भाई। साथ ही अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और हमारे आज के राइटर हैं पंकज।